हाय फ्रेंड्स, तो हाजिर है आपका दोस्त बालमदास आपकी खिदमत में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मे माइट और मे बी जो है उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज की हमारी वीडियो नंबर है 52 एंड टुडे इन दिस क्लास नंबर 52 आई एम गोइंग टू टीच यू अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ यूजिंग स्टेप द यूज ऑफ मे माइट एंड मे बी। फ्रेंड्स, इसकी मायना है सकना। जैसे कि सबको पता है कि मे की मीनिंग है सकना या मुमकिन है। अब ये जो है मे, ये तीन चीजों को जाहिर करता है। अब कौन सी तीन चीजें हैं, आइए सेंटेंसेस की मदद से सीखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है, सर मैं पानी पीने जा सकता हूं। ये एक आम सा सेंटेंस है ना। यकीनन आपको अपना बचपन याद आया होगा कि जब हम बच्चे हुआ करते थे, स्कूल्स में पढ़ते थे, तो जो है अगर पढ़ाई में दिल ना लग रहा हो या वाकई में प्यास लगी हो तो हम कह देते हैं कि सर मैं पानी पीने जा सकता हूँ। तो इसकी इंग्लिश आपको यकीनन आती होगी। मुझे पता है आप इंटेलिजेंट है, माशाल्लाह आपको इसकी इंग्लिश आती है, लेकिन मुझे ये समझाना है कि मे जो है वो किन सेंसेस में इस्तेमाल होता है। तो इस सेंटेंस की आप ट्रांसलेशन बखूबी कर सकते हैं, सर मैं पानी पीने जा सकता हूं। सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। या हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, सर मैं पानी पीने जा सकता हूं। अब यहां पे हमने क्या किया है, परमिशन लिए पानी पीने जाने की। क्या किया है, पानी पीने के लिए जाने की परमिशन ली है। तो अब पहली बात यह है कि मे जो है परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, फिर वो परमिशन लेनी हो या देनी हो, दोनों चीजों के लिए मे का इस्तेमाल होता है। अब परमिशन देते कैसे है? इस सेंटेंस में सीखते हैं। नंबर टू सेंटेंस, तुम अब जा सकते हो, तुम्हारा काम मुकम्मल हो गया है, तुम अब जा सकते हो। ठीक है, तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन हम करेंगे, यू मे गो नाउ। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, मजा आ रहा है ना कि हमने सीखा कि मे जो है परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पे तुम अब जा सकते हो, यू मे गो नाउ। ठीक, अब आते हैं नंबर थ्री सेंटेंस पे, आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है से मुराद है कि आज बारिश के होने का इम्कान है, पॉसिबिलिटी है। तो ये सेंटेंस जो है वो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, यहां पे जो है परमिशन को शो कर रहा था, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी आज पॉसिबिलिटी है बारिश के होने की। आते हैं नंबर फोर सेंटेंस पे, मैं जल्द ही नया मोबाइल ले सकता हूं। यानी ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि मैं जो है जल्द ही एक और नया मोबाइल ले सकता हूं। आई एम ए परचेज न्यू मोबाइल। तो अब इन दोनों सेंटेंसेस से हमने सीखा है कि मे जो है पॉसिबिलिटी के लिए भी काम आता है। चलो अच्छी बात है, आते हैं नंबर फाइव सेंटेंस पे, भगवान तुम्हारा भला करे। क्या, भगवान तुम्हारा भला करे, ये आम सा डायलॉग है जो कि फिल्मों के अंदर भी हम सुनते आ रहे हैं, और इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए भी हमें जो है मे का इस्तेमाल करना है। तो भगवान तुम्हारा भला करे, ये दुआ दी जा रही है, ये जो है हम किसी को जो है विश कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, तो ये विश में आता है, हम कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, या अल्लाह तुम्हारा भला करे, या खुदा तुम्हारा भला करे, एक ही बात है। तो यहां पे हमने सीखा कि मे जो है विश के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब हमारा नंबर सिक्स सेंटेंस, महेश तुम करोड़ों साल जियो। महेश तुम करोड़ों साल जियो, हम इस जुमले में महेश को जो है दुआ दे रहे हैं, विश कर रहे हैं, तो इसकी भी ट्रांसलेशन जो हम मे से करेंगे,
हम लिखेंगे मे यू लिव करोड़ यर्स महेश, महेश तुम करोड़ों साल जियो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा, हमने सीखा है कि मे जो है परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, परमिशन देने के लिए भी इस्तेमाल होता है और लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो मे है वो पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, इम्कान। और उसके बाद हमने सीखा कि मे जो है वो विश करने के लिए, किसी को दुआ देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स अब बारी है माइट को सीखने की। अब मैं आपको सिखाता हूं कि माइट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे एक सेंटेंस नंबर वन लिखा हुआ है, आबिद आज इस्लामाबाद जा सकता है, आबिद आज इस्लामाबाद जा सकता है। आप इस जुमले के अंदर मे भी लगा सकते हैं, आप इस जुमले के अंदर मे भी लगा सकते हैं। लेकिन मे और माइट के अंदर फर्क क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मे और माइट के अंदर फर्क ये है कि मे हम तब इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए कि जब जो है किसी चीज़ के होने की संभावना ज़्यादा हो, किसी चीज़ के या किसी काम के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी के अंदर। जब किसी काम के, किसी कार्य के होने के चांसेस कम दिखाई देते हों तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको डिफरेंस जो है मे और माइट के अंदर समझ में आ गया। क्या समझा हमने, ये समझा कि मे जो है हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे किसी काम के होने की ज़्यादा संभावना हो वहाँ पे मे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत कम संभावना हो, बहुत कम चांसेस हो काम होने के या कार्य होने के, तो हम जो है माइट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे माइट, आबिद आज इस्लामाबाद जा सकता है, आबिद माइट गो टू इस्लामाबाद टुडे। ये पॉसिबिलिटी है और इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ये पॉसिबिलिटी जो है माइट पॉसिबिलिटी के लिए जब इस्तेमाल होता है तो उस काम के होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। आते हैं नंबर टू पे, अनुष्का शर्मा इस साल पाकिस्तान आ सकती है, यानी इस साल अनुष्का शर्मा के पाकिस्तान आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर चांसेस ज्यादा हों तो आप जो है मे लगा दें, अगर चांसेस कम हों तो आप जो है माइट लगा दें। अब अनुष्का को तो पाकिस्तान आना है नहीं ज्यादातर, तो हम लगाएंगे माइट, हम लिखेंगे अनुष्का शर्मा माइट कम टू पाकिस्तान दिस ईयर, क्योंकि अनुष्का जी के पाकिस्तान आने के चांसेस जो हैं बहुत ही कम है, क्योंकि उसके यहाँ पे रिलेटिव्स नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है। तो आते हैं नंबर थ्री सेंटेंस पे। अब पहले मैं आपको बता दूं कि क्या आपको माइट का सेंस क्लियर हुआ। फ्रेंड्स ये मे जो है मॉडल वर्ब है, मे मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब्स क्या हैं, मॉडल वर्ब्स ये होते हैं कि मॉडल वर्ब्स की जो है फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म ही होती है, उसकी आई एन जी वाली फॉर्म नहीं बनती, उसकी आई एन जी वाली फॉर्म नहीं बनती। मे का जो माइट है वो सेकंड फॉर्म है, ये मॉडल वर्ब्स हैं, मे का माइट सेकंड फॉर्म है। और माइट मे के बजाय हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी काम के होने के बहुत कम चांसेस हों तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, अगर काम के होने के जो है ज्यादा चांसेस हों तो हम मे भी लगा सकते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि माइट वहां पे इस्तेमाल होता है जहां किसी कार्य के होने के चांसेस बहुत कम लगते हों आपको। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नंबर थ्री सेंटेंस पे। हमारा नंबर थ्री सेंटेंस है, मैं 2010 में मुंबई जाके सेटल हो सकता था। अब ये सेंटेंस माजी का सेंटेंस है, ये जो है माजी का सेंटेंस है, और इस सेंटेंसेस माजी के अंदर हम जो है माइट हैव का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा सेंटेंस आपको मिले जिसमें पॉसिबिलिटी जाहिर की गई हो लेकिन माजी के अंदर, तो हम जो है माइट हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे करेंगे,
आई माइट हैव गॉन। अब इसमें हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, आई माइट हैव गॉन एंड सेटल इन मुंबई इन 2010। तो ये हमारा सेंटेंस जो है माजी के अंदर हो गया है। कि याद रखें, ऐसे सेंटेंसेस अगर माजी में हो तो हम माइट हैव का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आते हैं नंबर फोर सेंटेंस पे। वसीम अकरम एक ओवर में 6 छक्के लगा सकता था, माजी के अंदर पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी माजी के अंदर जाहिर हो रही थी कि मैं 2010 में मुंबई में जाके सेटल हो सकता था, यानी वो पॉसिबिलिटी। यहां पे भी पॉसिबिलिटी है माजी के अंदर, वसीम अकरम एक ओवर में 6 छक्के लगा सकता था। वसीम अकरम माइट हैव, हिट की थर्ड फॉर्म हिट ही होती है, 6 sixes in an over। तो फ्रेंड्स यकीनन अब आपको माइट और माइट हैव का जो है यूज करना भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब कुछ मे बी के बारे में भी आपको सिखा दूं। तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने कोई 3 sentences लिखे हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, शायद मंथार इस वक्त सो रहा है। आपने कोई चीज नोट की इस चीज के अंदर कि इसके अंदर जो है सकना या मुमकिन है वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। अब इसमें जो है वो चीज है खास जो है शायद, वर्ड शायद आ रहा होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस हमने जो है मे बी से करना है। क्या करना है, अगर उर्दू के सेंटेंस में वर्ड शायद आ जाए और पॉसिबिलिटी तो शायद जो जाहिर करता ही है, तो हम मे बी से करेंगे। तो इस सेंटेंस को हम करेंगे, शायद मंथार इस वक्त सो रहा है, मे बी सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। मे बी मंथार इज स्लीपिंग नाउ। तो हो गया ना आपका सेंटेंस। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे, शायद टेलदास कल नौकरी पे जा रहा होगा, यानी टेलदास के कल नौकरी पे जाने के इम्कानात हैं, उसके जो है पॉसिबिलिटी है। तो हम इस सेंटेंस को भी करेंगे, मे बी टेलदास विल बी गोइंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, टू ड्यूटी टुमारो या टू परफॉर्म ड्यूटी टुमारो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस सेंटेंस में भी हमने देखा कि सबसे पहले शायद आ रहा था, तो जिस जुमले के अंदर शायद आ रहा हो उर्दू के अंदर, आप समझ लेना कि ये सेंटेंस आपने जो है मे बी से करना है, और ये जो है मे बी भी पॉसिबिलिटी को ही जाहिर करता है। और उसके बाद नंबर 3 सेंटेंस, शायद दिव्या आज नाराज है, शायद दिव्या आज नाराज है, तो इसमें भी शायद आ रहा, तो हम मे बी का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे मे बी दिव्या इज एंग्री टुडे, दिव्या इज एंग्री टुडे, शायद आज दिव्या नाराज है। तो अब हमने सीख लिया है कि मे बी जो है वो भी पॉसिबिलिटी के लिए ही इस्तेमाल होता है, और उसमें जो है खास चीज ये है, उसकी पहचान ये है कि उर्दू के सेंटेंस के अंदर उसमें जो है वर्ड शायद आता होगा, फिर वो शुरू में आप दे सकते हैं, बीच में या एंड में, जुमला देने वाला कहीं पे भी दे सकता है, लेकिन लफ्ज शायद जरूर आएगा, तो हम उसको ट्रांसलेट करेंगे मे बी के अंदर जो है उसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो नंबर 52 में मैंने आपको मे, माइट, माइट हैव और मे बी का यूज जो है बहुत ही अच्छी तरह सिखा दिया है। फ्रेंड्स इस यूज की बहुत बड़ी वैल्यू है, बड़े बड़े स्टूडेंट्स इस यूज के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मे कहाँ पे लगाना है, माइट कहाँ पे लगाना है,
मे बी कहाँ पे लगाना है, माई टैब कहाँ पे लगाना है। तो इस वीडियो में आज मैंने पूरा जो है ये यूज अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। मैं होप करता हूँ कि आपने भी बहुत अच्छी तरह से इस यूज को आज सीख लिया होगा। तो फ्रेंड्स अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे और हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो लेकर बहुत ही जल्द, वेरी सून, एज सून एज पॉसिबल आई विल बी हेयर फॉर यू एंड विल ब्रिंग अ न्यू वीडियो फॉर यू। टिल देन टाटा।